नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आर के पर। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्षेत्रमिति यानी कि ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज्योमेट्री का पार्ट थ्री से मतलब है पार्ट वन और टू पहले ही बन चुके हैं क्या? यस, बिल्कुल बन चुके हैं, बस आपने देखे नहीं होंगे अभी तक। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट वन और टू को देख लें, विश्वास मानिए बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि देखिए, चार से पांच क्वेश्चन ज्योमेट्री में पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिल्कुल आसान भाषा में और कम समय में आपको चीज़ों को समझाना। तो शुरुआत करते हैं, क्विक रिविज़न कर लेते हैं। देखिए ज्योमेट्री में मैंने बताया था आपको, लाइन होती है, सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है और चतुर्भुज होता है, जिसमें से मैंने लाइन पर वीडियो बना दिया है, सर्कल पर बना दिया, ट्रायंगल पर बना दिया है। हो सकता है आपने देखा ना हो तो आप देख लीजिएगा। अब हम मैंने वीडियो बनाया है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज मेनली चार चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, आयत के बाद में समांतर चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज। बस पूरी कहानी इन्हीं चारों चतुर्भुज के बीच में ही होती है, तो वो पूरी कहानी समझेंगे जो इन चारों के बीच में होती है। सबसे पहले तो आप फिगर से समझिए कि कौन सा चतुर्भुज क्या होता है। देखिए पहला जो फिगर बनाया है इसे बोलते हैं आयत। आयत क्या होता है, आयत की ये भुजा छोटी होती है और ये वाली भुजा लंबी होती है। इसमें क्या, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, इस आकृति को बोलेंगे आयत। अब देखिए चतुर्भुज के केस में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, हम लोग चारों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चारों चतुर्भुज हैं एक जैसे लगते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कौन सा चतुर्भुज कौन सी एरिया से बिलोंग करता है। तो इसमें देखिए समझने का आसान तरीका, आयत को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए 45° की डिग्री पे तो ये बन जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, आयत से बनता है। इसी तरीके से ये रहा वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90° का हो, ऐसी आकृति को बोलेंगे वर्ग। और अगर हम वर्ग को हल्का सा आगे की ओर झुका दें तो इस तरीके से जो आकृति हमें मिलेगी उसे बोलेंगे सम चतुर्भुज। यानी कि वर्ग के तरह सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये चार्ट जो मैं आपके सामने पेश किया है मैंने, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट है और ये पूरे समझ लीजिए चैप्टर का सार निचोड़ आपके पास में रख दिया है। इस निचोड़ निकालने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता था। तो समझते हैं इसमें क्या, देखो आयत जो होता है, आयत के विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, अगर एक विकर्ण की लंबाई दी है 16 तो पूछेगा दूसरे की भी लंबाई बताओ, तो वो भी हो जाएगी 16। अब मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से बस शॉर्टकट में सबको ट्रिक बता दे रहा हूं। और अगर दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं, जैसे ये आयत मैं बनाऊं और इसका ये विकर्ण और ये विकर्ण, देखिए ये इस बिंदु पर दोनों विकर्ण काट रहे हैं ना एक दूसरे को, तो क्या होता है दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आधे आधे बढ़ जाएंगे। अब मान लो दोनों की लंबाई 16 दी है तो उत्तर हो जाएगा 8 और 8 बाइसेक्ट होने के बाद। और दोनों विकर्णों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 नहीं होता, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसी एक इंफॉर्मेशन से 8 से 10 क्वेश्चन बन गए, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं वो D1 और D2, यानी कि दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो समद्विभाजित होते हैं और इनका भी एंगल 90 नहीं होता है। इसी वजह से मैंने इनको एक सीक्वेंस में लिखा है कि देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज को एक सीक्वेंस में लिखा, तभी देखो इन दोनों के 90 पर नहीं क्रॉस करेंगे। और वर्ग और सम चतुर्भुज को एक साथ लिखा है, तभी देखिए इनके विकर्ण जो हैं वो 90° पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इनके भी विकर्ण देखिए D1 D2 दे रखे हैं, DD, और ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप क्या करिएगा, जब मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो इसी वाले पॉइंट पे स्नैपशॉट ले लीजिएगा, तो ये क्या इमेज के रूप में आपके पास में सेव हो जाएगा, तो आगे आपके लिए काम आएगा। अब पढ़ते हैं आयत के बारे में। तो आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई।
और इसका विकर्ण की लंबाई पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, और अगर इसका परिमाप पूछा जाए तो 2l प्लस बी हो जाएगा। तो आपसे सीधे परिमाप नहीं पूछेगा, मान लो पूछेगा कि आयत के चारों तरफ तार लगाना है तो उस तार की लंबाई बताइए, तो इस चारों तरफ तार लगाएंगे तो ये l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये आयत के चारों ओर तार लगाने का मतलब है आयत का परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप का फार्मूला लगा के उसको आंसर हम लोग बता लेंगे। थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा एग्जाम में, चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं पूछी जाएंगी। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये बना हुआ है आप देख सकते हैं, तो एरिया हो जाएगा बी इंटू हाइट एच, परिमाप हो जाएगा पी इक्वल टू टू ए प्लस बी। समांतर चतुर्भुज में एक ये वाला फॉर्मूला बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा है कि दोनों जो विकर्ण बनते हैं तो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या हो सकता है, डी वन और डी टू की मान लो आपको वैल्यू दे दे और ए की वैल्यू दे दे और बी की वैल्यू पूछ ले, तो इस ए की फॉर्मूले से चार चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ना है तो सीधे ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जा सकता। दूसरी बात, अगली चीज़ पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये बेस है और ये एक ऊपर सामने हमने समांतर रेखा खींच दी, पहला ये चतुर्भुज जो ए बी सी डी बनाया है, ठीक है, उसके बाद किया कि बेस वही रखा और इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, झुका दिया, तो जो ये चतुर्भुज बनेगा दोनों का एरिया सेम होता है। अगर आपको पहले का एरिया दे दे 80 और इसको हल्का सा झुका के बोल दे कि इस वाले का एरिया बताओ, तो भी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के एरिया बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ये रहे एरिया दोनों के बराबर। इसके बाद में ये वाला देखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो या तो एग्जाम में पूछी गई हैं या उसके दाएं बाएं वाली चीजें बता रहा हूँ। ये देखिए, ये एक मान लो समांतर ये सम चतुर्भुज है, ठीक है, सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें क्या करें, ऊपर वाली भुजा के मध्य बिंदु से इन कोनों से अगर हम मिला दें तो चतुर्भुज के अंदर बन गया एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बन गया, तो एरिया ऑफ वो जो ट्रायंगल बना है उसका जो एरिया होगा वो चतुर्भुज के एरिया के आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ लीजिए आप। अब स्क्वायर में पढ़ते हैं, स्क्वायर में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, इसका विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट टू, ए रूट टू यानी कि। सम चतुर्भुज को देख लेते हैं, देखिए सम चतुर्भुज ये चारों भुजाएं जिसकी बराबर है वो हल्का सा झुका हुआ है, एरिया हो जाएगा इसके डी वन और डी टू। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल फॉर्मूले पर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, दोनों विकर्णों की गुणा करके डिवाइड बाई टू कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो दोनों विकर्णों की उसने लंबाई दे रखी है और आपसे भुजा की लंबाई पूछी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन जो भी मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए हैं वो बताता हूँ। देखिए, एक ये सम चतुर्भुज बना रखा है, इसमें ये वाला कोण 32 ऊपर वाला 42 36 और एक दे रखी वैल्यू 7x। ठीक है, और आपसे x की वैल्यू पूछी है, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे कि क्या पूछा गया था, जितना मेरे पास आया मैं उतना बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि एंगल वगैरह ही होते हैं, तो पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा तो ही हम आंसर कर पाएंगे, लेकिन होते क्वेश्चन आसान है। इसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, एक सम चतुर्भुज है उसमें ये वाला एंगल 50 है और आपसे ए सी डी यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू अगर पूछ रखी है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए सम चतुर्भुज का मतलब ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर है, तो अगर इस वाले त्रिभुज में देखें तो ए बी और बी सी अगर बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये वाले ये और ये बराबर होंगे, तो मान लिया ये दोनों कोण है एक्स एक्स, तो ये देखिए किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 50 प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 180, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 65। एक्स की वैल्यू 65 आने का मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 65 और पूछा गया है हमसे ए सी डी, देखिए ये वाला भी हो जाएगा एंगल 65, पूछा गया ए सी डी यानी कि ये वाला, तो मैंने पहले वीडियो बनाया इससे उसमें बताया था ये एकांतर कोण है, ये देखिए जेड बन रहा है और जहाँ पे भी जेड बनेगा वहाँ पे एकांतर कोण होते हैं, तो अगर ए बी बी ए सी बराबर 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 65।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कम से कम मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं बाई कमेंट, या कम से कम लाइक करके वीडियो को बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।